आकृति बनाने के लिए लंबाई लेनी है 30 इंच, सीना 28 इंच, कमर आपकी 24 इंच है, हिप आपकी 32 इंच है और तीरा 14 इंच है। और आसानी से शॉर्ट बनानी है तो सबसे लंबाई ले रखी है हमने 30 इंच, ये देखिए लेंथ ले ली है। अब इसके बाद विड्थ लेनी है 14 है तो 7, सात इंच पूरा लेंगे क्योंकि ये कुर्ता है। आर्म होल आपका आएगा 5.5, ये आर्म होल आधा इंच डाउन का रखा है। और ये जो है गला पतली है तो जाएगा 28 है तो गला आपका बहुत ज़्यादा 3 इंची, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना बच रहा है 4, आप चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके से, ठीक है। 6, अब नेक आपको 6 इंची, इधर हमने 3 लिया है तो नीचे हम 2.5 ले रहे हैं, 2.5 इसलिए ले रहे हैं कि शेप अच्छा सा आ जाए। अब इसको अगर हम राउंड देंगे गोलाई अच्छे से आ जाएगी। और अगर आपको बकरम पे बनाना है तो गला तभी काटिए जब आपको बकरम पे बनाना हो, तब उस हिसाब से ये देखिए आगे ये जो शेप है ये आर्म होल का हो गया, बैक का आधा इंच यहाँ लिया और इसको शेप दे दिया। और ये जो है इस तरीके से अंदर का शेप देते हैं, ये देखिए अंदर से शेप दिया हुआ है गहराई, और ये बैक का शेप है, ठीक। ये ले लिया। अब यहाँ पे चेस्ट का लेना है तो चेस्ट 28 है, 7 चौक 28 प्लस 2 इंच तो 9, ठीक। इसके बाद यहाँ पे लेंगे 7, ठीक है, 7 चौक 6 चौक 24 2 8, तो ये 8 इंच है, ये 7 इंच, ये 9 इंच और ये 8 इंच प्लस 1 2 इंच। यहाँ से हिप लाइन लेते हैं, हिप लाइन लेनी है आपको तो ये 7 लिया है, लेंथ कम है तो हम 13 पे खोल दे रहे हैं चौक, तो 6 इंच, ठीक। अब यहाँ पे इनकी 8 चौक 32 9 प्लस 10, ये पूरी लाइन हम ले ले रहे हैं इस तरीके से, इसे चौक बन जाएगी और ये शेप आ जाएगा, ये शेप, ठीक है। फिनिश लाइन टर्निंग के लिए 1 इंच बहुत है, सरफेंस है 1 इंच ले लें, देखिए 1 इंच टर्निंग ले रहा है। ये आगे पीछे की दोनों है, आपको बैक का गला चाहिए छोटा तो आप इसमें बैक का गला 3 इंच का ले लें, 2 इंच का ले लें, 1 इंच का, जैसे चाहें वैसे ले सकते, ठीक है, जैसे आपकी स्वेच्छा। तो 1 इंच का, ये देखिए गला 1 इंच का लिया हुआ इस तरीके से। अब इसमें दोनों पल्ले हम काट रहे हैं, सबसे पहले बैक पल्ला काटते हैं, नेक जब हम काटेंगे, जब हम सिलाई करेंगे तब नेक काटा जाएगा। ये मार्जिन लगा हुआ है इसलिए हम इस पर कटिंग आसानी से इस तरीके से करेंगे, बराबर लेते हुए कपड़े को। ये कुर्ती जो है अब यहाँ पे आप नोचेस लगा लीजिए जहाँ पे आपको मार्जिन वो देना है, नाप देनी है, मार्क देना है, यहाँ हिप लाइन पे जहाँ चौक बनानी है वो नोचेस,
यहाँ पे फिटिंग का नोचेस है आपका, ये नेक लाइन का नोचेस, ये आपका कुर्ता तैयार हो गया, कुर्ते कटिंग हो गई। के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा लेना है, ये देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड में लिया, सिंपल स्लीप है। सबसे पहले तो लेंथ जितनी है 10 इंची है, ये तो 1 इंच टर्निंग ले ले रहे हैं, 1 इंच टर्निंग है जो पलट जाएगा, ठीक है। और इसको लेने के बाद ये निशान लगा लिया, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद सीना का यहाँ 2 इंच, बड़ों में 2 इंच लेते हैं, तो ये 2 इंच लिया, 2 इंच, ठीक। और यहाँ पे लेते हैं सीने का 12 + 1, तो सीना है 28, तो 12 × 24 2.5 × 3.5, बस इसको ऐसे लिया और ये मिला दिया, ठीक। इसको मिलाने के बाद इसका मिड लेते हैं, या 8 का मिड आ रहा है आपका। सबसे पहले तो आपको स्लिप की लेंथ लेनी है, तो 7 ले रखी है, 7, ये देखिए, ठीक। अब यहाँ से इसको मिला दिया है, और ये 3 देखिए आ रहा है सब फ्रेंड्स, तो ये 3.5 पे लेना था, तो 3.5 पे ले रखा है, ये देखिए इस तरीके से। ऐसे इसके बाद यहाँ का इसका मिड कर दिया, तो ये कितना आ रहा है, अब तो ये 6 आ रहा है, 6 का मिड 3 हो गया। 3 में क्या करना है, 1 इंच, आधा इंच ये देखिए ले रखा है, आधा इंच ये, ठीक। ये लाइन ले ली, इसको इस पे क्या करते हैं, गोलाई लेते हैं, तो यहाँ से कर्व देते हुए हम राउंड शेप पे इस तरीके से गोलाई देंगे, ठीक। और ये आपका फ्रंट का राउंड है, आगे का गहराई, ठीक है। अब बॉटम, तो बॉटम कितना है, 5 सेकेंड्स है, तो ये ले लिया है और इसको इस तरीके से मिला दिया है। अब ये देखिए मार्जिन लाइन, ठीक है, ये मार्जिन लाइन है, ये आपकी बैक की लाइन है, ठीक, ये फ्रंट की है। अब कटिंग देख लीजिए, कटिंग कैसे करेंगे, तो मार्जिन लाइन छोड़ते हुए देखिए इस तरीके से कटिंग कर देंगे ऐसे, और ये देखिए नीचे की कटिंग इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे आप फिटिंग लाइन की निशान लगा दीजिए, यहाँ पे फिटिंग लाइन की निशान लगा दीजिए, यहाँ आप, ठीक है। और ये अब जब हम सिलाई करेंगे तो गहराई देते हैं, अब आप देख लीजिए हम इसी में गहराई दिए दे रहे हैं इस तरीके से, ये आपकी स्लिप है, सिंपल स्लिप है, इसको हम डिज़ाइनर करेंगे, तो इसी का फिर लगा के इस पर हम फ्रंट के यूज़ करेंगे, और ये डिज़ाइनर स्लिप ऐसे तैयार हो जाएगी, देखिए इस तरीके से। ये कपड़ा इसमें ऐड करेंगे, तो डिज़ाइन फिल के माध्यम से ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो ये डिज़ाइनर स्लिप आपकी, फ्रिल डिज़ाइनर स्लिप आपकी तैयार। इस तरीके से आपकी स्लिप तैयार हो गई, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी, ये देखो।